गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल के बारे में, क्या होता है। ठीक है, इसी बात पर आज डिस्कशन होगा। तो पहले हम बात करते हैं क्रिस्टल लैटिस की। तो क्रिस्टल लैटिस, ये फिगर हमने ऑलरेडी आपको इसके पहले लेक्चर में बना के दिखाया था। द ओवरऑल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन द क्रिस्टल, क्रिस्टल में या सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं उनका जो ओवरऑल अरेंजमेंट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज क्रिस्टल लैटिस, और इसे स्पेस लैटिस भी कहते हैं। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब क्या होता है, दैट इज जिससे क्रिस्टल बना होता है या जिससे मैटर बना होता। तो कौन कौन सा होता है, एटम, आयन, मॉलिक्यूल, ये सब होते हैं। तो ये क्या है, दैट इज द क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, ये क्या बेटा, क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, और इसे और क्या कह सकते हैं, स्पेस लैटिस भी कह सकते हैं, मतलब जो ओवरऑल अरेंजमेंट होता है। चलिए, अगर इसका कोई एक पोर्शन हम निकाल के अलग कर देते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। ठीक है, तो यहां पर हम क्या बताएंगे, एक पार्ट हमने निकाल के अलग कर दिया। ठीक है, एक पार्ट हमने क्या किया बेटा, अलग कर दिया। तो जो हमने अलग कर दिया तो इसको क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। तो हमने क्या बताया, समझिए जरा, द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन द सॉलिड और क्रिस्टल इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। ठीक है, चलिए दूसरी बात हम करेंगे किसके बारे में बेटा, दैट इज यूनिट सेल के बारे में। ठीक है, यूनिट सेल क्या होता है, द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ द क्रिस्टल विच ऑन रिपीटिशन ओवर एंड ओवर अगेन एंड अगेन फॉर्म ओवरऑल क्रिस्टल। तो क्या बताएंगे, द स्मॉलेस्ट यूनिट विच ऑन रिपीटिशन ओवर एंड ओवर अगेन एंड अगेन फॉर्म्स ओवरऑल क्रिस्टल, ओवरऑल क्रिस्टल का फॉर्मेशन करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। तो अभी हम आपसे केवल एक सिंपल से यूनिट सेल के बारे में बात करते हैं। तो ये अभी जो दिया है ये क्या है, सिंपल यूनिट सेल। ठीक है, तो सिंपल यूनिट सेल में क्या होता है समझेंगे, ये जो पॉइंट होते हैं, ये जो पॉइंट होते हैं इसे हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज लैटिस पॉइंट। क्या बोलते हैं बेटा, लैटिस पॉइंट। तो लैटिस पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रखे होते हैं, द पोजिशन वेयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। तो क्या बताया हमने, द पोजिशन वेयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज प्लेस्ड इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसे, दैट इज लैटिस पॉइंट। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रैक्टिकली समझेंगे यूनिट सेल के बारे में, यूनिट सेल की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो यहां पर आगे जो हम बात करेंगे आपसे, करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ऑफ यूनिट सेल, करेक्टरिस्टिक के मतलब क्या क्या उसमें बातें जो है वो मिलती हैं, इस बारे में आपसे बात होगी। तो चलिए देखते हैं, एक मॉडल आपके सामने ये दिया गया है, दिस इज अ मॉडल। ठीक है, ये एक यूनिट सेल है आपके सामने, यू कैन सी दिस, दिस इज द यूनिट सेल। जो अभी आपने ये फिगर अभी आपको हमने दिखाया, ये फिगर, ये सिमिलर, ये लैटिस पॉइंट क्या है बेटा, ये लैटिस पॉइंट, ये हमने पोटैटो लिए हैं छोटे छोटे ताकि कॉन्सेप्ट आपका थोड़ा सा और अच्छा हो जाए। तो ये क्या है, दीज आर लैटिस पॉइंट। ठीक है, सिंपल अभी यूनिट सेल हमने लिया है। अब समझिए इसमें कितने लैटिस पॉइंट है, जरा काउंट करिए, 1 2 3 4, चार ये हो गए, 5 6 7 8। तो इसका मतलब जो यूनिट सेल होगा, जो सिंपल यूनिट सेल में, इसमें कितने लैटिस पॉइंट हुए, 8। तो इसको आप लिखते जाइए, क्या बताया, पहला पॉइंट लैटिस पॉइंट कितने हुए, 8 हुए। ठीक है, अभी सिंपल यूनिट सेल के बारे में बात चल रही, लैटिस पॉइंट कितने हुए बेटा,
एट हुआ। अब आगे हम समझेंगे और क्या क्या चीज है। अब देखेंगे इसमें कितने फेस हैं, क्या है कितने फेस हैं। तो फेस के बारे में बात करें तो एक फेस, दो फेस, तीन फेस, चार फेस, पांच, और एक नीचे वाला क्या हो गया, छह फेस। ठीक है, तो यूनिट सेल में टोटल कितने फेस हो गए, छह फेस हो गए। फिर से समझिए, एक फेस, नीचे वाला दो फेस, तीन फेस, चार फेस, पांच, और कितना हो गया, छह फेस। तो टोटल सेकंड पॉइंट हमने क्या क्या जाना, टोटल फेस, फेस कितने हो गए बेटा, छह हो गए। ठीक है, आप समझिए तीसरी बात जो हमें जाननी चाहिए और क्या जानेंगे। अब देखिए यहां पर देखेंगे एज, एज मतलब किनारा कितना है। ठीक है, तो आगे हम लोग क्या देखेंगे, एज, एज कितना है, एक दो तीन चार। ठीक है, एक दो तीन चार, ये हो गया। तो चार ऊपर हो गए और चार क्या हो गए, एक दो तीन चार, चार नीचे, तो कितना, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह। टोटल कितने एजेस हो गए, बारह। तो एजेस कितने हो गए बेटा, बारह हो गए। तो इसको आपको समझना पड़ेगा, यूनिट सेल में कितने लैटिस पॉइंट हैं, कितने फेस हैं और कितने एजेस हैं। तो एजेस कितने हुए, टोटल 12 हुए। कैसे हुए, 1 2 3 4, और फोर नीचे, और ये हो गया कितना, फोर, ये आपके हो गए इधर। आप समझिए कुछ बातें और क्या समझेंगे। अब यहां पर डायगोनल जो है वो कितने तरह के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डायगोनल। तो देखते हैं, डायगोनल दो तरह के होते हैं, एक होता फेस डायगोनल और एक होता बेटा क्या, बॉडी डायगोनल। एक होता फेस डायगोनल और एक क्या होता है, बॉडी डायगोनल। ठीक है, तो आगे हम किसके बारे में बात करते हैं, डायगोनल के बारे में। चलिए समझते हैं, अगला जो दिया हम लोगों को क्या, डायगोनल, ये कितने होते हैं बेटा, दो तरह के होते हैं। पहले क्या होते हैं, दैट इज फेस डायगोनल, और दूसरे क्या होते हैं बेटा, बॉडी डायगोनल। ठीक है, तो आगे हम लोग समझेंगे बॉडी डायगोनल, फेस डायगोनल। चलिए समझते हैं, देखिए तो डायगोनल का मतलब क्या होता, ये जो आप ये लाइन खींचते हैं, तो कितना हुआ, एक डायगोनल, दो डायगोनल, तीन, चार, पांच, और कितने हो गए, छह। तो फेस डायगोनल कितने हुए बेटा, दैट इज सिक्स हुआ। ठीक, इतना क्लियर हुआ। चलिए आगे बात करते हैं बॉडी डायगोनल की। बॉडी डायगोनल का मतलब ये होता है कि आप क्या करें, थोड़ा सा और हम प्रैक्टिकली इसको करते हैं। देखिए बेटा, आपने क्या कर दिया, ये ऐसे मिला दिया। ठीक है, मतलब बॉडी से होकर जाए, क्या करें, ये बॉडी से होकर जाए, ये ऐसे जाएगा, ये क्या होगा, ऐसे। थोड़ा सा पेन की हेल्प ले लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। ये जो है ये क्या है, बॉडी डायगोनल। ठीक है, तो कितना हुआ, एक हुआ। ठीक है, अब फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, हमने एक इधर से ऐड करें, एक हो गया। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, इसको हमने मिला, फिर इसको मिला, कितना हो गया, दो। फिर इसके बाद क्या किया, इसको मिलाया तीन, और फिर इसको क्या किया, इसको मिलाया चार। तो बॉडी डायगोनल कितने हो गए, चार। ठीक है, तो कितने हो गए, फोर हो गए बॉडी डायगोनल। तो दिस इज ऑल अबाउट द यूनिट सेल। यूनिट सेल के बारे में इतना बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए कि यूनिट सेल में कौन कौन से पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो पहले हमने क्या बताया, लैटिस पॉइंट आपने देख लिया, टोटल कितने देख रहे हैं, आठ लैटिस पॉइंट देख रहे हैं। ठीक है, और क्या देखा आपने, फेस कितने देखे, छह देखे। और क्या देखा आपने, यहां पर एज देखा, एज कितने दिखे, 12। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब इसके बाद हम लोग चलेंगे कि यूनिट सेल जो होते हैं आपके, दो तरह के होते हैं। यूनिट सेल कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा, पहले होता है सिंपल क्यूबिक सेल और दूसरे होते हैं सेंटर्ड सेल। कौन कौन से, पहले होते हैं सिंपल क्यूबिक सेल और दूसरा क्या होता है, सिंपल क्यूबिक सेल को प्रिमिटिव सेल भी कहते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करेंगे, जो यूनिट सेल है ये कितने तरह का बेटा, दो तरह का। ठीक है, कौन कौन सा बताइए, पहला होता है सिंपल क्यूबिक सेल, दूसरा जो होता है दैट इज सेंटर्ड क्यूबिक सेल। ठीक है, ये सिंपल क्यूबिक सेल क्या होता है, इन विच, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज प्रेजेंट ओनली इन द कॉर्नर। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहां पर होते हैं, कॉर्नर पर। ठीक है, ये देखिए, ये दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल क्यूबिक सेल। ठीक है, चलिए सेंटर्ड क्यूबिक सेल जो होते हैं आपके, थ्री टाइप्स के होते हैं। कितने तरह के होते हैं बेटा, ये तीन तरह के होते हैं। ठीक है, इट इज ऑफ थ्री टाइप्स के। कौन कौन से होते हैं बेटा, पहले होता है आपका फेस सेंटर्ड सेल। कौन सा होता है,
फेस सेंटर्ड सेल होता, दूसरा होता एफसीसी भी लिखते हैं इसे, दूसरा होता क्या बॉडी सेंटर्ड सेल, और तीसरा होता है इंड सेंटर्ड सेल। क्या होता है बेटा? इंड सेंटर्ड सेल। ठीक है, तो ये जो सेंटर्ड क्यूबिक सेल होते हैं वो आपके तीन तरह के होते हैं, कौन कौन से? फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और इंड सेंटर्ड। चलिए इसके बारे में वन बाय वन हम पढ़ते हैं ये कैसे होता। तो फेस सेंटर्ड का मतलब क्या होता है, इसके बारे में बात होती है। ठीक है, तो किसके बारे में बात होगी? पहले एफसीसी के बारे में। तो एफसीसी अगर हम बात करें तो ये आपने क्या लिया? सिंपल क्यूबिक। अब इसके बाद आपको कुछ और आपको दिखाएंगे प्रैक्टिकली। देखिए ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका फेस। ठीक है, मैं इसको, चलिए ये बन गया। ठीक है, तो यहां पर क्या देख रहे हैं, ये फेस पर है, कहां पर है? कॉर्नर पे है और फेस में भी, और हर एक फेस पर होगा। तो फेस सेंटर्ड सेल क्या होता है? इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर एज वेल एज ऑन द ईच फेस, हर एक फेस पर भी प्रेजेंट होते हैं, इस बात का हमें ध्यान रखना। ठीक है, तो हमने क्या जान लिया कि इन विच, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज ऑन ईच फेस, क्या होते हैं? हर एक फेस पर भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अभी हमने आपको ये दिखाया, चलिए फिगर भी ड्रॉ कर लेते हैं ताकि क्लियर होता रहे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? कॉर्नर्स पर होंगे, अब फिर कहाँ होंगे? हर एक फेस पर होते हैं। कहाँ पर होता है बेटा? हर एक फेस पर होता। ठीक है, ये कंडीशन। अगला हम लोग समझेंगे क्या बेटा, दैट इज बीसीसी। बीसीसी का मतलब बॉडी सेंटर्ड सेल। चलिए बॉडी सेंटर्ड सेल के बारे में अगर हम आपसे हम बात करें तो बॉडी सेंटर्ड सेल के केस में क्या होता है, ये आपके पास क्या यूनिट सेल है सिंपल, तो इसमें क्या होता, कॉर्नर पर तो होता ही होता, पर एक कहां पर हो जाए आपका? दैट इज ऑन बॉडी। ठीक है, ऐसे हो जाए। ठीक है, मतलब क्या हो जाए, देखो समझिए इसको, एक क्या हो जाए, कहां पर हो जाए? बॉडी में हो जाए, बीच में हो जाए। अगर एक बीच में हो जाता, इसको ये मान के चलिए यहां ज्वाइंट है ये। ठीक है, ये क्या है, ये क्या हो जाए, कॉर्नर पर हो एटम्स और कहां पर हो? बीच में हो। ठीक है, बॉडी के सेंटर में होते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बॉडी सेंटर्ड सेल बोलते हैं। ठीक है, किसी भी एंगल से आप देख सकते हो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बताएंगे, बीसीसी सेल क्या होता है? इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज ऑन द सेंटर ऑफ बॉडी। बॉडी के क्या होते हैं? सेंटर पर प्रेजेंट होते हैं। चलिए देखते हैं, ठीक है, तो यहां पर हमने क्या कर दिया, कॉर्नर पे रख दिया, और कहां पर होगा? एक इसके सेंटर में होगा। तो ये किसका एग्जांपल है? दैट इज बीसीसी का। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे इंड सेंटर सेल के। किसके बारे में बता? इंड सेंटर्ड सेल के बारे में। ठीक है, चलिए चलिए आगे हम लोग बात करेंगे किसके बारे में बेटा? इंड सेंटर्ड सेल के बारे में। इंड सेंटर्ड सेल, इंड सेंटर्ड सेल के बारे में अगर हम बात करें तो होता क्या है, ये एक सिंपल क्यूबिक सेल तो होगा कॉर्नर पर। इंड सेंटर सेल का मतलब ये होता है कि कॉर्नर पर तो प्रेजेंट हो, लेकिन किन्हीं दो अपोजिट फेस पर प्रेजेंट होना चाहिए, किन्हीं दो अपोजिट फेस पर प्रेजेंट होना चाहिए। एक हमने क्या कर दिया, ये यहां रख दिया। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, इसको हम ऐसे कर सकते हैं। ये हमने बना दिया बेटा। ठीक है, दैट इज इंड सेंटर्ड सेल, आप देख सकते हो। ठीक है, क्या होता है कि कॉर्नर पर हो प्लस किसी एक अपोजिट फेस पर हो। ठीक है,
एक अपोजिट फेस का मतलब क्या होता, इस पर या तो इन दोनों पर होगा, या तो इन दोनों पर होगा, या तो इन दोनों पर होगा, मतलब अपोजिट फेसेस पर होने चाहिए एक एक एटम, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इन सेंटर्ड सेल। तो क्या बताएंगे, इन दिस टाइप ऑफ सेल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज प्रेजेंट एट कहां पर होते हैं, कॉर्नर एज वेल एज ऑन द, कहां पर होते हैं, एज वेल एज ऑन ऑन वन अपोजिट फेस। ठीक है, क्या होगा, ऑन वन अपोजिट फेस, इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए अब आगे हम लोग बात करेंगे, जो आपका यूनिट सेल होता है उस यूनिट सेल में हर एक एटम का कितना जो है कंट्रीब्यूशन होता है, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम इन द यूनिट सेल। तो हमने ये जान लिया चार तरह के होते हैं, आगे हम लोग बात करेंगे क्या, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम इन द यूनिट सेल। तो अब देखेंगे कि जैसे हमने क्या किया, समझिए जरा, ये यूनिट सेल, ठीक है, ये जो आपका दिया हुआ कहां पे, कॉर्नर पे दिया है, ये कॉर्नर वाला पार्ट कितना पार्ट जो है यूनिट सेल में के कंट्रीब्यूशन में देता है, इस चीज को हम समझेंगे। तो इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा आप ये फिगर इमेजिन करें, जस्ट मिनट, देखिए बेटा ये क्या है, यूनिट सेल है, हमने ऐसे मान लिया, ठीक है, ये हमने मान लिया कि ये यूनिट सेल, ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसके बारे में बात चल रही है ये वाला, ठीक है, तो ये आप देख रहे हो हमको कितना पार्ट चाहिए, हमें केवल, देखिए ये जो दिया हुआ है हमको केवल इतना पार्ट चाहिए, ठीक है, हमें केवल इतना पार्ट चाहिए, ये पार्ट चाहिए, ठीक है, ये पार्ट चाहिए, ठीक है, टोटल ये कितना है, वन एटम। तो अभी इसको मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ, अभी इसको नेक्स्ट लेक्चर में मैं और क्लियर करके आपको बताऊंगा, ठीक है, तो अभी नॉर्मली हम लोग जान लेते हैं, इसको मैं प्रूफ करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, डोंट वरी। तो क्या करेंगे, एट कहाँ पे, कॉर्नर पे, कॉर्नर पे एटम का कितना पार्ट होता, 1/8 होता, ठीक है, एट फेस, फेस पर कितना होता है एटम का, फेस पर तो नॉर्मली हम देख सकते हैं, कॉर्नर वाला थोड़ा सा हमें नेक्स्ट क्लास में दिखाएंगे आपको, ठीक है, देखिए फेस वाले में क्या है, चलिए समझिए, देखिए यहां पर हमने क्या कर दिया, ये बना दिया फेस, ठीक है, तो यहां पर क्या देखते हैं, अगर आप बात करो इस यूनिट सेल के बारे में, ठीक है, इस यूनिट सेल के बारे में, तो ये पूरा एटम आधा बाहर है और आधा क्या है, अंदर, तो यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है, आधा ही पार्ट कंट्रीब्यूशन हो रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, फेस पे कितना होता, 1/2 होता, ठीक है, आगे दिया हुआ कहाँ पे, एट बॉडी, बॉडी मतलब सेंटर, ठीक है, तो यहां पर क्या है, पूरा पूरा एटम आपने क्या कर दिया, बीच में ले जाके रख दिया, तो यहां पर पूरा पार्ट होगा, तो कितना होगा, वन पार्ट होगा, मतलब पूरा, तो कितना, एक। अब इसके बाद देखते हैं एट एज, एज पर क्या कंडीशन होती है, ठीक है, एज पर जो होता है 1/4 पार्ट पार्ट एटम का यूनिट सेल में इंगेज होता है, इस बात को अभी आप याद रखें, ठीक है, कि कॉर्नर पे कितना होता है, 1/8, फेस पर कितना होता है, 1/2, बॉडी पर कितना होता है बेटा, 1 होता, एज पर कितना, 1/4, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, सिंपल क्यूबिक सेल के बारे में, ठीक है, तो यहां पर क्या बताएंगे, एटम के बारे में, कितना एटम है, तो आपको पता है कि पार्ट ऑफ एटम कितना है, दैट इज 1/8, ठीक है, एटम के कितना पार्ट होता है हर एक कॉर्नर पे, पार्ट ऑफ एटम एट ईच कॉर्नर, हर एक कॉर्नर पे कितना होता है, 1/8, टोटल कॉर्नर बताएं जरा, टोटल कॉर्नर कितने हैं, 8 है, ठीक है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, इसको आप लिख सकते हैं एटम इन सिंपल क्यूबिक सेल कितना हो जाएगा, एक पार्ट पे कितना हो रहा है, इनटू टोटल
आपके एटम है कितने इन्वॉल्व हैं, एट, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, तो कितना होगा जाके, वन एटम, ठीक है, कितना होगा, वन एटम। दूसरा हम लोग लेते हैं क्या, एफसीसी लेते हैं, क्या लेते हैं, एफसीसी, एफसीसी मतलब फेस सेंटर्ड सेल। अब देखिए यहां पर क्या होता है, एक तो आपका होता है कॉर्नर, एटम कहां कहां पर होते हैं, कॉर्नर प्लस फेस पर होते हैं, ठीक है। कॉर्नर पे अभी आपको बताया कितना, 1/8 पार्ट होता है, और कितने कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं। फिर इसके बाद हम किसके बारे में बात करेंगे, फेस, फेस पर कितना पार्ट होता है, 1/2 होता, और टोटल कितने फेस अभी बताया आपको, 6 बताया, कितने, 6, तो इसको लिखेंगे 1, और कितना हो जाएगा, 3, कितना हो जाएगा, 4 एटम। तो एफसीसी में कितने एटम होते हैं बेटा, 4 एटम होते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे हम बात करेंगे, चलिए आगे बात होगी बीसीसी के बारे में। बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर्ड सेल, आपको पता है कहाँ कहाँ पर होते बॉडी सेंटर्ड सेल में, कॉर्नर पे एज वेल एज ऑन द, और कहाँ पर होता है, और सेंटर में होता है। तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा कॉर्नर प्लस बताएं जरा, ये क्या हो जाएगा, बॉडी। तो कॉर्नर भी कितना होता है, 1/8 × 8, फिर कितना होगा, 1, आप ऐड करें, 1 + 1 = कितना हो जाएगा, 2, तो कितना एटम हो गया, 2 एटम हो गया, ठीक है, कितने एटम हो गया बेटा, 2 एटम होते हैं। चलिए एक और दिया है कि आपका ईसीसी, ईसीसी मतलब इंड सेंटर्ड सेल, चलिए देखते हैं। इंड सेंटर्ड सेल में हमने क्या बताया, कॉर्नर पर तो होंगे ही होंगे, और बताएं क्या होगा, और होगा कि टू अपोजिट फेसेस, दो अपोजिट फेसेस पर, जब अपोजिट की आप बात करेंगे तो दो फेसेस आपको कंसीडर करना ही पड़ेगा, टू अपोजिट फेसेस। तो कॉर्नर कितना होगा, 1/8 × 8 प्लस कितने फेसेस हैं बताएं जरा, एक फेस पर कितना होता है, 1/2, टोटल कितने फेसेस, दो, तो हो जाएगा 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फिर से एक बार इन चीजों को थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, इसी में आ जाइए, ये आपका यूनिट सेल दिया हुआ, ठीक है। चलिए देखिए पहले हमने क्या बताया, यूनिट सेल में कितने कॉर्नर, कितने, 8, क्लियर, और फिर इसके बाद फेस कितने हैं, 6, और इसमें एजेस कितनी, 12, और डायगोनल दो तरह के होते हैं, एक बॉडी डायगोनल और एक क्या होता है, फेस डायगोनल होता है, ठीक है। हर एक पार्ट का कंट्रीब्यूशन बताएं जरा, यहां पर कितना होगा, 1/8, यहां पर कितना होगा, 1/8, यहां पर कितना होगा, ये जो दिया हुआ है यहां कितना होगा बेटा, 1/2, 1/2। फिर इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद ये जो, ये फिगर मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूं, यहां पे थोड़ा सा इसे खोलना पड़ेगा, चलिए देखते हैं, चलिए देखिए, ये जो दिया है ये क्या है, ये फेस हो, ये क्या हो गया, एज हो गया, ठीक है। तो एज पर कितना पार्ट है, दैट इज 1/4, कितना, 1/4, तो इनको आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं ताकि और क्लियर हो ये टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, इफ इन अ क्यूबिक सिस्टम ए एट कॉर्नर बी एट ऑल फेसेस देन फाइंड आउट द फार्मूला। कहा गया है क्यूबिक सिस्टम है जिसमें ए कॉर्नर पे है और बी फेस पे है, तो आप फार्मूला फाइंड आउट करें, ठीक है। तो कहा गया, क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, कहा गया ये आपका सेल दिया हुआ है, इस सेल में ए कहां पर है, कॉर्नर पर है, और बी कहां पर बेटा, फेस पर, ठीक है, बी कहां पर है, हर एक फेस पर है। तो इस तरह से आप क्या बताएंगे, कॉर्नर पे हर एक कॉर्नर में कितना होता है, 1/8 पार्ट, और टोटल कितने कॉर्नर, 8, तो ये किसका हो जाएगा, ए एट कॉर्नर कितना होगा, 1, तो ए कितना हुआ, 1 हुआ, ठीक है। और फिर इसके बाद एट फेस, फेस पर आ जाएंगे, अगर फेस पर बात करेंगे तो कितना होता, 1/2 पार्ट, टोटल कितने फेस, 6, हो जाएगा 3, तो बी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस तरह से फॉर्मूला क्या बना जाके, फॉर्मूला बनेगा ए कितने हैं, 1, अभी कितने, 3, तो फॉर्मूला बनेगा ए बी 3 बनेगा, ठीक है। चलिए अगला दिया हुआ है क्या, इफ वन ए इज रिमूव फ्रॉम वन कॉर्नर, अगर जितने भी कॉर्नर हैं उससे अगर एक ए हटा देते हैं, जिसकी वजह से होता है क्या है, टोटल 7, टोटल 8 में से 7 ही जो होते हैं वो क्या होते हैं, बचते हैं,
ठीक है, वन कॉर्नर इज एम्प्टी मीन्स सेवन कॉर्नर इज ऑक्यूपाइड बाई एटम, तब क्या फार्मूला होगा। तो अब यहां पर देखिए सेकेंड पार्ट इसका क्या बोला गया है, ये जो आपका यूनिट सेल दिया हुआ है ठीक है, दैट इज यूनिट सेल, तो यहां पर क्या है कि एक कॉर्नर आपका खाली है। अब फेस तो ऑलरेडी है ही है आपके, फेस पर तो है ही, तो अगर हम ए के बारे में बात करेंगे तो टोटल कितने हैं, सेवन, सेवन कॉर्नर रखो पाई, और एक कॉर्नर भी कितना होता है, 1/8, तो कितना हुआ, 7/8, ठीक है। ए का पार्ट कितना हुआ, 7/8। अब बी देखते हैं, बी कितना बेटा, बी बराबर हो जाए कितना, 1/2 होता ही होता है, और टोटल कितने, 6 है, तो ये हो जाए कितना, दैट इज 3। अब इसको आप लिखें जरा इधर, ए कितना हुआ, 7/8 ठीक है, अब बी कितना हुआ, 3। अब क्या करेंगे, इसको आप क्या करें, दोनों का डिनोमिनेटर करें बराबर। अब बराबर करने के लिए ऊपर नीचे कितने से करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई, वो ऊपर नीचे करेंगे, तो 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, बनेगा फार्मूला ए 7 बी कितना हो जाएगा, 24, दैट विल बी द फार्मूला। अब इसका एक तीसरा पार्ट देखते हैं, फिर से देखो बेटा क्या कहा गया, फिर समझिए, कहा गया जितने भी कॉर्नर होते हैं उसमें से एक कॉर्नर जो है उस पर एटम नहीं है, इसका मतलब टोटल 8 में से 7 ही पर है, तो 7/1/8 कितना होगा, 7/8, बी वाले पर कोई फर्क नहीं पड़ना, तो कितना होगा, 3 होगा। तो ऐसी कंडीशन में लिखेंगे 7a 7/8, और बी कितना होगा, 3। देखिए 7/8 जो दिया हुआ है, अब दोनों का डिनोमिनेटर बराबर करना है ठीक है, तो 8 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो ऐसी कंडीशन में 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाए, कितना हो जाएगा, 7, और ये हो जाएगा 8 3 24 ही होगा। चलिए एक देखते हैं और क्वेश्चन आपका, चलिए समझते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, इफ वन इज रिमूव फ्रॉम फेस, अगर कहा गया एक फेस से रिमूव कर दिया जाए तब क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ, तीसरा पार्ट देखते हैं इसका, तीसरे पार्ट में क्या होता है इसको समझेंगे हम लोग। कॉर्नर पे सभी प्रेजेंट होते हैं।